टॉप 3 बेस्ट पोको स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीस। सो हे दोस्तों, क्या आप भी यहाँ पर पोको के फैन हैं? क्या आपको भी कम प्राइस पर एक अच्छा लुक, बढ़िया स्पेसिफिकेशन और दमदार फीचर चाहिए और साथ ही साथ सभी के अंदर 5G का सपोर्ट भी चाहिए? तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपके लेकर आ चुके हैं ऐसे ही 3 कमाल के स्मार्टफोन। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पोको की तरफ से आने वाला पोको का M6 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट देखा जाए तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के काफी अच्छे मिलते हैं। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ फोन 8.1 mm की थिकनेस और अराउंड 200 grams के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.74 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा है 50 MP का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलता है 5 MP का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप ठीक ठाक है और आपको यहाँ पर इमेजेस थोड़ी सी डिसेंट टाइप की मिलती हैं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो कैमरा देखा जाए तो यहाँ पर अब वो एवरेज है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट, साथ ही आपको यहां पर गेमिंग के लिए मिलता है आर्म वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको फोन के अंदर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है, आप यहां पर मीडियम से लेकर के हाई लेवल की सेटिंग पर गेमिंग कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसके आउटपुट आपको थोड़े से डिसेंट मिलेंगे, और साथ ही साथ ट्रिपल गार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब बात करें यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है एंड्रॉइड 13 बेस्ड MIUI 14। जी हाँ, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 14 का अपडेट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन दोनों ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,499 रुपये, पर अगर आप चाहें तो बैंक ऑफर्स लगा करके स्मार्टफोन को लगभग 9,500 रुपये की कीमत पर परचेस कर सकते हैं। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये भी एक अच्छा 5G ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन हम रखा हुआ यहाँ पर पोको की तरफ से आने वाला पोको का M6 Pro 5G की। तो वैसे तो फोन का डिजाइन और लुक आपको हमेशा की तरह थोड़ा सा यूनिक देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ ये फोन पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर बना हुआ है, हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। बात करें फोन की डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 550 नीट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी भी यहां पर आपको अच्छी दी गई है। चलिए कैमरास की बात कर लेते हैं, तो बैक साइड में आपको यहां पर मिल जाते हैं 2 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 MP का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है और आपको यहां पर 8 MP का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। वैसे यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और रही बात आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डेलाइट में डिसेंट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 4nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ही अच्छी और लंबी बैटरी बैकअप निकाल कर देता है, साथ ही साथ फोन की परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की है। ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,37,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर एड्रेनो 613 का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस आपको बजट के हिसाब से टॉप नॉच मिलती है। बात कर ले अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की,
सो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, साथ ही साथ हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन जहाँ पर आप एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 बेस MIUI 14 पर। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में भी आता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है। तो अगर आप एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और आपका बजट लगभग 10 से 11 हजार रुपए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो यहाँ पर 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए। तो अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर पोको की तरफ से ही आने वाला पोको का X5 प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ ये फोन भी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। वैसे डेलाइट में फोटोज भी काफी कमाल की निकल कर आती हैं और साथ ही साथ काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर भी आपको वही सेम चिपसेट मिल जाता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि अराउंड यहाँ पर 400,000 के आसपास अंतत्व पर स्कोर करता है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस डिसेंट मिल जाती है। साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो परफॉर्मेंस आपको बजट के अंदर अच्छी निकाल कर देता है। वहीं पर फोन के पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। वैसे ये फोन एंड्रॉइड 12 पर ही लॉन्च किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर पोको की कस्टम स्किन MIUI 13 का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में आता है। सो अगर आप इस बजट के अंदर कोई एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहते थे तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। दोस्तों तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको 15,000 रुपए तक पे करने पड़ते थे, बट अभी ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है 14,000 रुपए की कीमत पर। और साथ ही आपको बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं जिन्हें अप्लाई करके ये फोन इफेक्टिवली आपको मिलेगा 13,000 रुपए की कीमत पर। और 13,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो बहुत ही अच्छा पैकेज है। आप चाहें तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और वैसे हमने सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेकआउट भी जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।